नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2020 टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो एसएससी के द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो जिन भी बच्चों का टीयर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, जो टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, सबसे पहले उनको ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। अब आपका अगला पड़ाव है टाइपिंग। टाइपिंग जब तक कि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसके अलावा टाइपिंग आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, किन चीज़ों को आपको करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, और आप किस तरीके से, मतलब किस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करें ताकि आपका इजीली टाइपिंग क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की कि टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, देखिए 2017 तक आपका जो टाइपिंग होता था सीएचएसएल का, वो आपका ऑफलाइन मोड में होता था। आपको सीट मिलती थी और उसको देख के आपको टाइप करना होता था। लेकिन 2018 में कोविड के दौरान आपका एग्ज़ाम कराया गया, तो ऑनलाइन बेसिस पे आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो 2018 से आपका जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है। 2019 में भी टाइपिंग आपका ऑनलाइन कराया गया, तो 2020 में भी जो आपका टाइपिंग होगा वो ऑनलाइन ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि टाइपिंग आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन टाइपिंग को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो इसी में गलती कर देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन टाइपिंग अगर होगा तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हर टाइम आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ऑनलाइन जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन है, जो बेसिक है, उस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो फोकस आपको करना है वो अपनी एक्यूरेसी पे करना है, अपने बेसिक पे करना है। जो जितनी भी कीज़ हैं आपकी, ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट, वो आपकी उंगलियां सेट होनी चाहिए। तो पहला जो आपको काम करना है वो अपने बेसिक पे करना है। होम रो, मिडिल रो, अपर रो, इनको आपको बहुत बेहतर तरीके से इनमें टाइम देना है। और ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट की जो प्रैक्टिस है, जब भी आपको टाइम मिले तो कीबोर्ड से आप उसे प्रैक्टिस करते रहो। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो किस पे करना है, बेसिक पे करना है। उसके बाद ऑनलाइन अगर टाइपिंग को आपको क्वालिफाई करना है तो जैसे मान लेते हैं आप अगर 3 घंटे टाइपिंग के लिए निकाल लें तो उसमें से 2 से 2.5 घंटे जो टाइम है वो आप ऑफलाइन पे दीजिए और 1 घंटे आपको ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन सिर्फ आपको इस तरीके से यूज़ करना है, जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं तो ऑफलाइन जितनी आपने पढ़ाई की क्या टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन उतना स्कोर बूस्ट कर रहा है या नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करना है। ऑफलाइन क्या करेंगे, अब ऑफलाइन में ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी टाइप करना है, आप सिलेक्टेड कंटेंट टाइप करो और जो प्रीवियस ईयर का कंटेंट है वही इतना है, उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको 100+ सीएचएसएल सीजीएल के अभी तक 2019 तक के पैसेज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो कंटेंट है इसको आपको प्रिंट कराना है, ऑफलाइन भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करना है, और ऑनलाइन के लिए मैं सॉफ्टवेयर भी आपको बताऊंगा जिस पे आप इसे ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके अलावा इस कोर्स में आपको मैं सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराऊंगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, अपनी स्पीड को कैसे देखेंगे। उसके अलावा ढेर सारे इसमें वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा शुरू से लेकर के अंत तक, कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, एक्यूरेसी कैसे बनाएंगे और कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो ये जो कोर्स है अगर इसको आपको एनरोल करना है तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसकी जो कॉस्ट है वो हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको ऑनलाइन टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो 2 चीज़ों पर फोकस करना है, आपको अपना बेसिक बहुत अच्छे तरीके से करना। देखो ये जितनी उंगलियां आपकी 10 उंगलियां इन्हीं का खेल है, ठीक है। आप अल्फ़ाबेट को जितना अच्छे तरीके से आपकी उंगलियां पहचानेंगी, आपकी जो स्पीड है, स्पीड बहुत बड़ा मैटर नहीं है, स्पीड 10 दिन में आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। आप बेसिक अच्छे तरीके से समझें, तो बेसिक पे बहुत अच्छे तरीके से काम करना है और ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करनी है, और ऑनलाइन को सिर्फ एज ए टेस्ट आपको यूज़ करना है। कि देखें ऑफलाइन में जैसे आपने पहले दिन 2 घंटे किया, और आपको करना क्या है इसके अलावा, एक्यूरेसी पे काम करना है। आपको अपना जो एक्यूरेसी है वो 100% करना है, एक भी आपको गलती नहीं करनी। शुरुआत में स्पीड पे फोकस ही नहीं करो, शुरुआत में सोचो चाहे आपकी 10 की स्पीड निकले 20 की निकले, आपको 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप करना है। जिस दिन एक्यूरेसी बन जाएगी, बेसिक बन जाएगा, स्पीड 10 दिन के अंदर आपकी आ जाएगी, चाहे आप जितनी भी स्पीड बनाना चाहें। तो ये है मूल मंत्र टाइपिंग को क्वालिफाई करने का। इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मैं यही आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको क्वालिफाई करना है। और इस कोर्स के बदौलत 2018-2019 के ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो हमारे सेलेक्ट हुए हैं, तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो
तो आपको करना क्या, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। उसके अलावा जिस बात के लिए हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया था, उन दोनों बातों का जवाब आपको मिल पाया होगा कि टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। उसके अलावा टाइपिंग आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो करना क्या, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।